सुबह की पहली किरण के साथ सौरभ का नींद खुलता है। वो उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है और मधु सोई हुई थी, तभी अचानक से बाथरूम से चीखने की आवाज आती है। अरे मधु, देख क्या हो गया मधु। अचानक से मधु को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है और आवाज बदले बदले से क्यों लग रही है। मधु की नींद खुल जाती है, तभी सौरभ सामने आता है। अरे मधु, देख मैं क्या बन गया। अरे आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे मेरा गला बैठा बैठा लग रहा है, और आज आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं? तैयार होके मेरे जैसे क्यों दिख रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे जैसा नहीं दिख रहा हूँ, अपने आप को शीशे में देख तब पता चलेगा क्या हुआ है। तू भी मेरे जैसे दिख रही है क्या? मधु जब अपने आप को शीशे में देखती है, देखकर शॉक्ड हो जाती है। अगे मैया गे, ये क्या हो गया? अरे मैं कैसे, मेरा शक्ल आप जैसा कैसे बन गया? और रातों रात दाढ़ी मुझ भी आ गई, और गला भी लड़कों जैसा बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? अरे वही तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आखिर क्या हुआ एक रात में कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अदला बदली कैसे हो गए? तुम मैं बन गया और तुम मैं, यानी कि दोनों का परिवर्तन हो गया, ये कैसे हो सकता है? मधु और सौरभ को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर ये हुआ कैसे? आपको समझ में आया? नहीं ना? तो चलिए चलते हैं वीडियो के कुछ दिन पहले और जानते हैं फंडा क्या है। मधु और सौरभ एक दूसरे से प्यार करते थे, वो दोनों शादी कर लेते हैं। इस शादी से सौरभ की माँ राधा देवी भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे बहू काफी पसंद थी, क्योंकि बहू आने से राधा देवी को और घर का सारा काम नहीं करना पड़ेगा। शादी की दूसरी सुबह सौरभ अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था, तभी मधु आती है चाय लेकर। सौरभ गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपका चाय। क्या मधु, खा गुड मॉर्निंग, कब की सुबह हो गई है और तुम अभी चाय लेके आ रही हो? मुझे ऑफिस जाने का समय हो गया, इतना लेट करोगी तो कैसे चलेगा? जानती हो ऑफिस में कितना काम रहता है, और तुम भी। अरे सौरभ मैं क्या करूँ, सुबह उठकर घर में इतना सारा काम रहता है, माँ जी को चाय देकर फिर आपके पास आई, अब मैं और कितना सुबह उठूँ? हाँ हाँ, तुम्हें तो अपना घर का काम ही सब कुछ लगता है, ऑफिस का काम कभी करके देखो तब पता चलेगा ऑफिस में कितना बर्डन होता है। बॉस की बातें सुनो और मैं किससे बकवास कर रहा हूँ, तुम चाय खुद ही पी लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, वरना बॉस की भी दो बातें सुननी पड़ेगी। ये कहते हुए सौरभ ऑफिस के लिए निकल जाता है, और इधर मधु। अरे ये भी चार बातें सुनाकर मुझे चले गए, इसे क्या पता है घर का काम क्या होता है, कभी करेंगे तो पता चलेगा ना। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक शाम मधु किचन में पराठा बना रही थी, तभी सौरभ आता है किचन। अरे मधु, मधु क्या बना रही हो, और अभी तक नहीं बना है? अरे आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला कब आए, मैं पराठा ही बना रही थी आपके लिए। अरे मधु ऐसे कैसे चलेगा, मैं कब आया हूँ ये भी तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ ये भी ध्यान नहीं है, और अभी तक तुम खाना बना रही हो, थोड़ा सा मेरे तरफ भी ध्यान रखा करो, कब से आया भूखा प्यासा हूँ, अभी तक खाना नहीं बना है तुम्हारा। अरे सौरभ मैं क्या करूँ, घर का सारा काम करते करते इतना समय हो गया, और मैं पराठा बनाने लगी आप आ जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आप आ गए। एक तो ऑफिस में टेंशन, बॉस की बातें सुनो, घर आओ तो बीबी की बातें सुनो, यही करते रहो, लाइफ ऐसे ही झंड हो गई है। ये कहते कहते सौरभ वहाँ से चला जाता है, और इधर मधु। अरे ये तो हमेशा ही बहाना ढूंढते मुझे सुनाने के लिए, कभी घर का काम करे तब तो पता चलेगा घर का काम क्या होता है, ये सिर्फ ऑफिस की बातें करते, जाके कुर्सी में बैठ जाते तो चल फाइल उलट पुलट कर लेते, बस इतना ही काम है, और घर में आके सुनाते इतना सारा काम की बॉस सुनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। रात का वक्त हो रहा था, सौरभ अपने कमरे में बिस्तर पर सोए हुए थे, तभी मधु आती है घर का सारा काम खत्म करने के बाद। अरे मधु ऐसे कैसे चलेगा, इतनी रात को आओगी, लाइट बंद करो और सो जाओ जल्दी से, कल मेरा मीटिंग है, सुबह जल्दी जल्दी जाना है। अरे तो मैं क्या करूँ, घर का इतना सारा काम रहता, सब काम खत्म करते करते इतनी रात हो ही जाती है, ऊपर से कमरे में आओ तो दो बात अच्छे से ना करके तुरंत सो जाओ, ऐसे कैसे चलेगा? अरे मधु ऑफिस का काम तुम्हें नहीं पता है कितना सारा बर्डन रहता है, बॉस सुनाते लगते हैं, कल वैसे भी मीटिंग है, अगर इस मीटिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो बॉस तो मुझे काम से ही निकाल देंगे मानो। हाँ हाँ आप सिर्फ ऑफिस की बातें सुनाइए, कभी घर का काम करके देखिए तब पता चलेगा ऑफिस का काम क्या होता है और घर का काम क्या होता है। अरे हाँ हाँ कभी मौका मिलेगा तो वो भी करके दिखा दूंगा, मैं कितने अच्छा से मैनेज कर सकता हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर सकती, तुम कभी ऑफिस में जाके देखना तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, ऊपर वाला हमारी बात सुन ले और मैं ऑफिस जाऊं और आप घर में रहें, तब पता चलेगा दोनों का काम कैसा होता है, किसका काम ज्यादा है किसका काम कम है। चलो अब बकवास बंद करो और जल्दी से सो जाओ। स्वर्गलोक से देवी ये सारी बातें सुन रही होती है। ओ अच्छा, तब तुम लोगों के झगड़ा का कारण
यही है, मैं अभी तुम लोगों का झगड़ा समाप्त कर देती हूँ, तथास्तु, तुम लोगों की इच्छा पूर्ण हो। वर्तमान समय सुबह का वक्त हो रहा था। सौरभ जो कि मधु बन चुका था वो किचन आता है खाना बनाने के लिए। तभी राधा देवी किचन आती है। अरे बहू बहू क्या बना रही हो? अरे ये तो माँ आ गई। हाँ ये पराठा बना रही थी। अरे पराठा बना रही हो? सुबह से अभी तक चाय नहीं दी हो और पराठा बनाने लगी। मुझे जल्दी से चाय बना कर दे के आओ और नहाने के लिए गर्म पानी भी जल्दी से तैयार करो। घर का कोई सफाई नहीं की, बस किचन आके खाना बनाने से काम चल जाएगा, जल्दी करो। ये कहते हुए राधा देवी वहाँ से चली जाती है। और इधर सौरभ, अरे ये क्या, माँ तो मुझे ऐसे बोल रही थी जैसे मैं इस घर की बहू हूँ। अरे हाँ सच में मधु को इतना सारा काम हर रोज करना पड़ता है, अब इतना सारा काम थोप के चली गई, अब मुझे एक एक करके सारा करना पड़ेगा, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। मुझे तो लगता है ऑफिस ही अच्छा था, ऑफिस में अच्छे से बैठ कर काम कर सकता था मैं। अब सौरभ जो कि मधु बन चुका था घर का सारा काम करता है, किचन से लेके बर्तन तक, पोछा से लेकर झाड़ू तक, सब कुछ घर का काम करता है। अरे बहू अच्छे से पोछा लगा, देख उधर गंदा है, और तू ये घूंघट ओढ़े क्यों घूम रही है इतनी गर्मी में? वो माँ जी मुँह में दो चार पिंपल आ गए, शर्म आ रही है दिखाने में, इसीलिए तो। चलो अच्छा है मत दिखा, लेकिन काम अच्छे से करना। फिर सौरभ घर में अच्छी तरह से पोछा लगाता है। और इधर ऑफिस में सौरभ की जगह मधु आ जाती है काम करने के लिए। काफी सारा काम करने के बाद मधु थक जाती है। अरे चलो हो गया आज का काम, कितनी मेहनत का काम है यार, इतना सारा काम, मेरा तो दिमाग फटे जा रहा था। तभी सौरभ का बॉस सौरभ के केबिन में आ जाता है। अरे सौरभ सौरभ ये क्या कह रहे हो, अभी तक इतना सारा काम पेंडिंग रखा हुआ है और तुम आराम से बैठे हुए हो। कहाँ सर सारा काम तो कर लिया। अरे सारा काम कर लिया कहाँ, ये लो ये सारे फाइल को जल्दी से कंप्लीट करो, हमें सबमिट करना है और आज ही हो जाना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कहते हुए सौरभ का बॉस वहाँ से चला जाता है। और इधर मधु जो सौरभ बन चुकी थी वो काम में लग जाती है। अरे ये क्या, इतना सारा काम करता था सौरभ और मैं बेकार में उस पे शक करती थी, मेरा तो दिमाग फटे जा रहा है, इतना सारा काम, इतना तो खत्म की, ऊपर से और सारा आ गया, अरे मैं पागल बन जाऊंगी। इससे अच्छा तो घर का काम था, आराम से घर में सब काम कर लेती थी, दिमाग में इतना टेंशन और प्रेशर तो नहीं पड़ता। रात का वक्त हो रहा था, दोनों कमरे में होते हैं मधु और सौरभ, दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। सॉरी मधु मुझे माफ करना, मुझे लगा घर का काम बहुत आसान होता है जो औरतें कर लेती है, मुझे नहीं पता था कि इतना सारा काम करना पड़ता है घर में, मुझे तो लगता है ऑफिस से भी ज्यादा काम तो घर में होता है, मुझे समझ में आ गया और तुम्हें नहीं सुनाना चाहिए मुझे। हाँ सौरभ मुझे भी समझ में आ गया, ऑफिस में बॉस कितना चिल्लाते हैं, कितना चिड़चिड़ापन होते हैं और इतना सारा काम, मेरा टेंशन से तो मेरा सर फटा जा रहा था, मुझे भी पता चल गया ऑफिस में कितना सारा काम होता है, इसलिए हमें एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, न कि एक दूसरे को सुनाना चाहिए। सुबह की पहली किरण के साथ मधु की नींद खुलती है, मधु उठकर देखती है तो वो देखती है कि वो वापस से अपने ही सकल सूरत में आ चुकी है, ये देखकर काफी खुश हो जाती है। और जब सौरभ को देखती है तो वो भी ठीक हो चुके थे। जल्दी से मधु सौरभ को उठाती है। अरे सौरभ सौरभ उठिए उठिए उठिए, देखिए हम वापस से ठीक हो गए। अरे हाँ हम ठीक हो गए। अरे मधु हमें इससे सबक लेनी चाहिए, एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, न कि एक दूसरे के काम के लिए दूसरे को सुनाना चाहिए, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, कम से कम एक दूसरे को काम को समझ तो लिए हम। मधु और सौरभ को तो समझ में आ चुका था, क्या आपको समझ में आया कमेंट में अवश्य बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शीला जैसे ही टोकरी में देखती है उसमें एक अंडे रखे हुए थे, ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, माँ जी मेरे घर चोरी हो गई, माँ जी। शीला की रोने की आवाज सुन जल्दी से उसकी सास सुशीला देवी उस कमरे में पहुंचती है। अरे बहू बहू क्या हो गया बहू, इतने जोर जोर से आवाज क्यों कर रही है? अरे माँ जी देखिए ना, मैं दो अंडे दी थी लेकिन एक अंडे की चोरी हो गई, अब मेरा एक ही अंडा रहा, मेरे बच्चे को कौन लेके चला गया, माँ जी कुछ करिए ना, मेरा बच्चा चोरी हो गया। अरे बहू वो तो अंडा था, उसमें से तो बच्चे निकले नहीं थे ना अभी,
फिर से अंडे दे देना, हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। अरे माँ जी, कितने तकलीफ से तो दो अंडे दी थी, अब एक की चोरी हो गई, अब मैं क्या करूँ। कितने दिनों से उस अंडे को गर्म कर रही थी, अब बच्चे निकलने ही वाले थे। अरे बहू चुप हो जा बहू, सब ठीक हो जाएगा। आखिर शीला एक इंसान होकर अंडे कैसे दे सकती है और उस अंडे में से इंसान के बच्चे कैसे निकल सकते हैं, जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। एक रोज शीला और मोहन दोनों शादी करके मोहन शीला को अपने घर लेके आता है। माँ माँ जल्दी आओ बाहर, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मोहन की माँ सुशीला देवी मोहन की आवाज़ सुन जल्दी से बाहर आती है। अरे बेटा मोहन, क्या लेके आया? अरे बेटा, ये लड़की कौन है? और तुम लोग दोनों गले में माला डाले, कहीं तुम लोगों ने? अरे हाँ माँ, तुम सही सोच रही हो, हम दोनों ने शादी कर ली है। और देखो ये शीला है तुम्हारी बहू। अरे बेटा मोहन, बहू तो देखने में काफी सुंदर है, लेकिन बहू के घर वाले? अरे माँ उसकी चिंता तुम मत करो, शीला एक अनाथ लड़की है, हम दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए आज मैंने शीला के साथ शादी करके उसे घर लेके आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं चीची चीची, ऐसा नहीं कहते। शीला बहू, तुम्हारी आज से मैं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बेटी की तरह रहना। आओ बेटी घर के अंदर चलो, बाहर कितने देर रुकोगी, चलो 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 अंदर चलो। फिर सुशीला देवी शीला और मोहन को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह सुशीला देवी कमरे में बैठी हुई थी कि सुबह सुबह शीला चाय लेकर पहुंच जाती अपनी सास के पास। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे वाह वाह बहू, इतनी सुबह सुबह तुम उठ गई और मेरे लिए चाय बना के लेके आई हो। लाओ लाओ, मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं जो बहू के हाथ से सुबह सुबह मुझे चाय नसीब हो रही है। अरे माँ जी अब से हर रोज नसीब होंगे। अरे बहू आओ आओ बैठो यहाँ पर, कुछ बातें भी तो तुझसे कर लूँ। फिर शीला जाकर उसकी सास के बगल में बैठ जाती है और सास बहू दोनों खूब बातें करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं। एक रोज सुबह सुबह शीला किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुशीला देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू क्या कर रही हो? अरे माँ जी आइए आइए, ये सब्जियाँ काट रही थी और उधर चावल चढ़ा हुआ है। अरे बहू दिन भर क्या खाना ही बनाते रहोगी और यही करते रहोगी, बच्चा कब पैदा करोगी? काफी समय तो हो गए तुम्हारे शादी को, अभी तक खुशखबरी नहीं मिल रही है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है, कहीं तू बांझ वगैरह तो नहीं है? कि मैं बेकार में इंतजार कर रही हूँ कि बहू से मुझे कोई वारिस मिलेगा। अरे माँ जी ये क्या कह रहे हैं, इतने गंदे आप सब मत कहा कीजिए मुझे, मुझे बांझ मत कहा कीजिए, मेरे भी बच्चे होंगे, थोड़ा सा तो समय दीजिए, ऊपर वाला चाहेंगे तो जरूर हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ बहू, ऊपर वाले के आसे में तो 2 साल बीत गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिल रही है, और कब मिलेंगे, 2-4 साल और बाद? अरे माँ जी मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ? देख बहू ये बेफुजूल की बातें मुझसे मत किया कर, मुझे तो जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए, बेकार में मेरा बेटा मोहन किस लड़की को इस घर लेके आ गया, औरत के नाम पे तो ये कलंक है कलंक। ये कहते हुए सास सुशीला देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीला अब मैं क्या करूँ, मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो ये सास भी मुझे सुना के चली गई, अब मैं कहाँ से बच्चा पैदा करूँ, हे भगवान कुछ तो कर, कुछ तो मुझे। शीला की शादी को काफी समय हो गए थे और अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिस कारण उसकी सास भी शीला को अब खड़ी खोटी सुनाने लगी थी। शीला नदी में पानी लेने आई थी, काफी उदास थी, तभी गांव की एक औरत पूजा वहां आ पहुंचती है। शीला को उदास देख पूजा पूछती है, अरे शीला क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं पूजा, बस यूं ही। अरे बताना, बताने से तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, हो सकता है तेरी परेशानी का हल मैं बता दूं। अरे पूजा अब तू क्या बता पाएगी, सुनना ही है तो सुन, मुझे 2 साल हो गए शादी को, अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, मेरी सास हर रोज मुझे ताना कसती है बच्चे के लिए, अब मैं कैसे बच्चा पैदा करूँ, तू ये बता ये क्या मेरे हाथ में है? अरे बस इतनी सी बात है, अभी इसका हल निकाल देती हूँ, अभी उस बगल वाले पहाड़ी में एक बाबा आए हुए हैं, वो सबको दवाई देते हैं, मेरी पड़ोसी रीना वो भी गई थी वहाँ पर, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन वो
बाबा उसे कोई जड़ी बूटी दिए और वो अब प्रेग्नेंट है। तू भी जाके बाबा से भेंट करके देख, हो सकता है तू भी माँ बन जाए और तेरी सास का ताना ना सुनना पड़े। क्या तू सच कह रही है? आज ही मैं जाती हूँ, बाबा से भेंट करके आती हूँ। दूसरी सुबह शीला उस पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँच जाती है। आकर देखती है सभी औरतें उस बाबा के पास अपना इलाज करा रही है। धीरे धीरे सभी औरतों का इलाज कर रहे थे वो बाबा। फिर शीला भी वहाँ बाबा के पास पहुँच जाती है। पहाड़ी वाले बाबा की जय हो बाबा। बाबा मैंने सुना आप सबका इलाज करते हो, हर समस्या की दवा है आपके पास, तो मेरा भी इलाज कर दो ना बाबा। क्या समस्या है बेटी, बता पहले समस्या तो सुनूं। बाबा मेरी शादी को 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। बाबा कुछ ऐसा कुछ जादू कर दो ताकि मैं जल्द से जल्द गर्भवती बन जाऊं और मैं एक बच्चे को जन्म दे पाऊं। अरे इतनी सी बात है, बाबा के पास हर दर्द की दवा है, तो ये तो मामूली सी बात है, अभी देता हूँ बेटी, रुक जा। फिर वो बाबा अपने पोटली में से दवाई निकालने लगते हैं कि तभी एक आदमी एक मुर्गी लेकर बाबा के समीप पहुँच जाता है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा देखो ना मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, कब से इसका कुछ इलाज कर दो ना, कोई दवा दे दो ना ताकि मेरी मुर्गी भी अंडा दे। अरे इसकी भी दवा है, अभी देता हूँ मुर्गी वाले, रुक जा पहले बेटी को दे दूँ। फिर पहाड़ी वाले बाबा एक जड़ी बूटी निकाल कर शीला को दे देते हैं। ले बेटी इससे तेरा इलाज हो जाएगा, तू जल्द से जल्द गर्भवती बन जाएगी। जय हो पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। ये कहते हुए शीला वहाँ से चली जाती है। तभी बाबा उस मुर्गी वाले को दवाई देने जाता है, तभी अचानक से ख्याल आता है। अरे मुर्गी वाले वो लड़की चली गई क्या? अरे जा जा, गलती से मैंने उसे तुम्हारा दवाई दे दिया, मुर्गियों की अंडे वाली दवाई, अब क्या होगा, कहीं उस लड़की पर मुर्गी का असर ना हो जाए और अंडे ना देने लगे। फिर शीला रात के वक्त वो जड़ी बूटी जो बाबा ने दिए थे वो जड़ी बूटी पानी के साथ सेवन कर लेती है और सो जाती है। दूसरी सुबह नींद खुलते ही शीला के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। अरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या हो गया? अरे कल वो पहाड़ी वाले बाबा के पास दवाई लेके आई थी, वो जड़ी बूटी खाने से कुछ हुआ तो नहीं? शीला के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है, वो दर्द के मारे इधर उधर कर रही थी और छटपट छटपट कर रही थी। तभी शीला एक अंडा देती है, वो अंडा देख शीला भी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये अंडा, मैं अंडा कैसे दे सकती हूँ, मैं मुर्गी थोड़ी ना हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो वैसा बच्चा पैदा कर सकती हूँ, ये अंडा कैसे हो गया, कहीं बाबा ने गलत दवाई तो नहीं दी, या फिर मुझे बच्चा नहीं हो सकता इसलिए बाबा ऐसे दवाई दिए कि मैं अंडा दे दूँ, फिर अंडे को गर्म करके उसमें से बच्चा निकलेगा, शायद यही हो सकता है, मुझे अंडे को अच्छे से रखना पड़ेगा। शीला के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो फिर से एक अंडा देती है। शीला को अब समझ में आ गया था कि इस अंडे में से ही उसके बच्चे हो सकते हैं, इसलिए दोनों अंडे को एक टोकरी में रखती है और उसके ऊपर बैठकर अंडों को गर्म करने लगती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। हर रोज शीला उन अंडों पर बैठकर अंडों को सेंधती है ताकि उसमें से जल्द बच्चा निकल आए। इधर शीला काफी रो रही होती है अपने अंडे की चोरी को लेकर। माँ जी मेरे अंडे की चोरी हो गई, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे बहू चिंता मत कर, चिंता मत कर, मिल जाएगा, वरना दोबारा अंडा तो हो जाएगा ना। रो मत बहू रो मत, जो हो गया होने को थोड़े ना टाल सकते हैं। और इधर सुशीला देवी अपनी बहू शीला को सांत्वना दे रही थी और चुप कराने की कोशिश कर रही थी, तभी उन दोनों को कुछ बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। अरे माँ जी कहीं से बच्चे की रोने की आहट सुनाई दे रही है? अरे नहीं बहू नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिए, तुम्हारे अंडे चोरी हो गए इसलिए शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं माँ जी मुझे भी सुनाई दिए फिर से। अरे बहू हाँ हाँ मुझे भी सुनाई दिए, कहीं तो कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ जी यहाँ तो कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? फिर शीला और उसकी सास दोनों इधर उधर देखती है लेकिन कोई बच्चा नजर नहीं आता है। अरे माँ जी लग रहा है इस खटिया के अंदर से आवाज आ रही है, इस खटिया को हटाते देखते।
फिर सास बहू मिलकर उस खटिया को वहाँ से हटाती है और देखती है उस अंडे में से एक बच्चा निकल आया है, जो बच्चा काफी रो रहा होता है। माँ जी, मेरा बच्चा मिल गया, देखिए अंडे में से बच्चा निकल आया। माँ जी, जल्दी से सीला उस बच्चे को गोदी उठाती है और उसकी सास ये देखकर शॉक तो होती है, मन ही मन खुश भी होती है कि उसकी बहू के अंडे में से बच्चे निकल आए हैं। जैसे भी हो, उसे पोता तो मिल गया। इस बच्चे के आने से सीला तो खुश होती है, उसकी सास भी बहुत खुश होती है। अरे बहू, चलो अंत तक तुम्हें बच्चा हो ही गया। अरे माँ जी, और एक बच्चा होना बाकी है, वो अंडा भी तो है। इस बच्चे के आ जाने से सीला और उसकी सास के साथ पूरा परिवार काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं और इंतजार करते हैं दूसरे बच्चे का होने का।